राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोला है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज। रांची जिले के बुढ़मू क्षेत्र में एक नया डिग्री कॉलेज के निर्माण की मांग को लेकर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन बुढ़मू डिग्री कॉलेज संघर्ष समिति की ओर से किया गया था। बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य मौजूद थे। बैठक में शामिल हुए लोगों ने कहा कि क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के खुलने से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को भी बेहतर शैक्षिक सुविधाएं मिलेंगी और वे अपने क्षेत्र में ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली घटना होगी जिस पर सभी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आसू के हो, जेएमएम के हो, जेबीकेएसएस के हो, सारे के सारे जनप्रतिनिधि आज हमारे समक्ष बैठते हैं और वे पार्टी से ऊपर उठकर, जो वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पूरे राज्य और पूरे देश को जाता है कि जब लोगों का जो जेन्युइन मांग है उसे पूरा करने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो लोग होते हैं वे पार्टी से ऊपर उठकर लोगों के समर्थन पर खड़ा होते हैं। और ये विश्वास पूर्ण रूप से हमारा है कि जब सभी राजनीतिक दल और सभी लोग इस लड़ाई पे शामिल हो रहे हैं, जैसा कि आज हमारा जो सभा हुआ जिसपे हर एक राजनीतिक दल यहाँ पे शामिल होता है और वो कमिटमेंट करता है इस लड़ाई के लिए हमें जो बलिदान करना पड़े उसके लिए हम तैयार है। और इस लड़ाई के लिए हम जितने भी युवा हैं, हम जितने भी साथी हैं, सीधे तौर पे ये भी कहना चाहते हैं कि क्या इस लड़ाई के लिए तन का बलिदान देना पड़े, मन का बलिदान देना पड़े, धन का बलिदान देना पड़े, किसी भी बलिदान पे हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी दिन आवश्यकता पड़ती है पैदल मार्च तो हम उसके लिए भी तैयार है। अगर हमें राजभवन तक पहुंचना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार है, चाहे किसी भी प्रकार का बलिदान देना पड़े। अगर शिक्षा के लिए जो भी बलिदान देना पड़े हम सब तैयार है। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र मांग होगा कि हमारे बुढ़मू में अविलंब डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। जय जवाहर। डिग्री कॉलेज देखिए, हमारे बुढ़मू प्रखंड ग्रामीण क्षेत्र गरीबी क्षेत्र है, जो कि हमारे जितने भी यहाँ भाई बहन लोग हैं इस क्षेत्र के, जो कि मैट्रिक तक पढ़ाई करते हैं उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि यहाँ आर्थिक स्थिति की कमी है, गरीबी क्षेत्र है, क्योंकि मांडर जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है, दूर पड़ जाता है, इसी कारण हमें डिग्री कॉलेज की जरूरत है। डिग्री के लिए सोचना पड़ता है, सोचना इसलिए पड़ता है कि रांची हमारे गाँव घर से 50 किलोमीटर दूर है और वो भाड़ा मेरे पास नहीं है, वो भाड़ा मेरे घर वाला मुहैया नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से हम कॉलेज जा नहीं पाते हैं, अधूरा छूट जाता है और डिग्री नहीं ले पाते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी कॉलेज नहीं है और प्रखंड का बड़ा लंबा चौड़ा इलाका है, यहाँ से खलारी तक कोई कॉलेज नहीं है, बहन के ठाकुर गांव में बड़ी आबादी है, उसके बाद भी वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, इसलिए यहाँ कॉलेज निर्माण अति आवश्यक है। या जो हमारे साथीगण जो कॉलेज निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, कदम से कदम मिला करके चलेंगे और यहाँ कॉलेज निर्माण करा करके ही हम लोग दम लेंगे। देखिए, मैट्रिक के बाद हमारे बच्चे बच्चियाँ आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाने का कारण यही है कि उनके माता पिता बहुत गरीब होते हैं, उतना दूर रांची में रेंट लेके पढ़ा नहीं पाएंगे, वहाँ कॉलेज में फीस नहीं दे पाएंगे, रेंट लेके वहाँ भाड़ा नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण बच्चे बच्चियाँ हैं मैट्रिक बाद इंटर के बाद आगे के शिक्षा लोग प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारा भी, हम लोग का मांग है सभी जनप्रतिनिधि का कि बुढ़मू प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए जो भी करना पड़े एडी से चोटी लगा देंगे, जहाँ भी जाना पड़े धरना प्रदर्शन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसके लड़ाई में आगे रहेंगे सभी जनप्रतिनिधि। माननीय शिक्षा मंत्री बदना राम जी से मैं मंगलवार दिन समय लेता हूँ और मिलकर जो भी जमीन से संबंधित बातें हैं डिग्री कॉलेज खोलने का, सारी बातों को लेकर अपनी भावनाओं को उनके बीच हम लोग रखेंगे। उस तत्पश्चात के बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ भी हम लोग बात रखने के लिए उनसे समय लेकर मिलेंगे और हर हाल में मेरी सोच भी है कि यहाँ जब से मैं राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से इस कार्य में लगा रहा हूँ, 25 सालों से यहाँ लगा हूँ, इसलिए मेरी सोच भी है कि यहाँ हर हाल में डिग्री कॉलेज खुले ताकि यहाँ के बच्चों को जो यहाँ से आने जाने में जो दिक्कतें होती है, करीब 30-35 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टिंग खर्च होता है, आने जाने में उसका समय करीब 3 घंटा लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है, इसलिए पढ़ाई का समय नहीं बचता है,
जो बच्चा पढ़ना भी चाहता है लेकिन समय के अभाव में वो नहीं पढ़ाई कर पाता, इसलिए हर हाल में यह जो दूर जगह जो है हमारे बढ़ो प्रखंड यहाँ पर हर हाल में डिग्री कॉलेज खुले ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करके यहाँ के IAS IPS IPS बने और जो भी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, बैंक हो या रेलवे हो, हर तरह का जो एग्जाम्स होते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं।